धर्मटाल हाई स्कूल के समीप मैदान में मासस की जनसंकल्प सभा हुई। सभा में मासस के अध्यक्ष पूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि धनबाद सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला है। धनबाद में शिक्षा का अभाव है, अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है, जनता प्रदूषण और बेरोजगारी की मार झेल रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में बदलाव निश्चित होगा। पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने कहा कि धनबाद सांसद की अनदेखी से धनबाद का एम्स एयरपोर्ट देवघर चला गया। मायूमो केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी ने कहा कि तमाम किसान मजदूर एक होकर भूमि पुत्र को सांसद बनाने की जरूरत है। विशेष करके आज 10 साल से जो यहाँ के बेरोजगारों के साथ व्यवहार किया गया, भारतीय संविधान पर भी आज एक खतरा है कि संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, धर्म निरपेक्षता रहेगा कि नहीं रहेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ लोक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में कन्वर्ट कर रहा है, किसानों के हाथ से जमीन छीन करके सरमायादार यानी कॉरपोरेट परिवार को दिया जा रहा है, जिससे बेरोजगार की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों का विरोध के लिए इस लोकसभा चुनाव में यहाँ के किसान मजदूर, बेरोजगार युवा, छात्र, महिलाएं, ये सभी मिल करके इसको रोकने का कोशिश करेगी। इस लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेगा, इसलिए पूरा तैयारी के साथ यहाँ के किसान और मजदूर आज कमर कस रहा है। उसी के सिलसिले में ये कार्यालय, अपना कार्यालय का आज उद्घाटन किया है।